सतना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा परसा की शिक्षिका संजू कुमारी सरोज को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने पर शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता प्राचार्य अंबिका राय और संचालन शिक्षक अनिश कुमार ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त बीडीओ रजत किशोर सिंह बीईओ युगल किशोर प्राचार्य अंबिका राय जयशंकर प्रसाद माध्यमिक शिक्षा संघ अध्यक्ष विनोद कुमार एमडीएम प्रभारी सुबोध सिंह भाजपा नेता अर्जुन सिंह प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष समरेन्द्र आदि ने पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र बुके और पौधा देकर सम्मानित किया और बधाई दी। इस अवसर पर शिक्षक नेता समरेन्द्र बहादुर ने बधाई देते हुए कहा कि परसा की शिक्षिका संजू कुमारी सरोज को परसा का नहीं ने पूरे जिले के शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाया, हम लोग अब इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कराने की मांग करेंगे। ये बहुत ही गौरव का क्षण है एवं ऐतिहासिक पहल और ऐतिहासिक पल है कि आज हमारे परसा प्रखंड द्वारा आदरणीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं पूर्व विकास प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ये कार्यक्रम संचालन किया गया था और इसमें पूरे परसा प्रखंड के सम्मानित शिक्षकगण साथ ही हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता जो जिला से आए हुए थे हमारे आदरणीय समरेंद्र बहादुर जी जो नेता है हमारे प्रखंड ये जिला अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो सभी हमको आकर एक हौसला बुलंद की बातें कहें और यह बहुत ही गौरव का क्षण ऐतिहासिक गवाह के रूप में इन लोगों ने दिया और मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखती हूँ कि ऐसे हिम्मत दिलेर करने वाले सभी हमारे आत्मीय जनों को शिक्षक बंधुओं को एवं तमाम पत्रकार बंधुओं को भी साधुवाद कि इन्होंने मुझे मीडिया कवरेज के द्वारा बुलंदियों पर पहुंचाया है और जिसकी देन है कि आज मुझे यह प्रशस्ति पत्र माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी एवं हमारे एसीएस महोदय श्री एस सिद्धार्थ जी द्वारा पटना के एसके मेमोरियल हॉल में प्राप्त हुआ। यह बहुत ही आनंद एवं गौरव का विषय है और इस कड़ी की भूमिका में मैं सबसे ज़्यादा विशेष महत्व देना चाहूँगी अपने प्रभारी शिक्षिका श्रीमती बबिता कुमारी का जिन्होंने मुझे पग पग और हर पल हर क्षण में जितनी भी जरूरत आवश्यकताएं थी उन्होंने मुझे मजबूती एवं फिर चट्टानी एकता की तरह खड़ी होकर हौसला बुलंद किए और रास्ता प्रशस्त किए। और दूसरी कड़ी में हमारी प्यारी शिक्षिका कुमारी अनुपम है जिन्होंने मुझे चिट्ठी पत्र एवं इससे संबंधित जो भी खास खबरें होती थी ये व्हाट्सएप पर डाल करके मुझे प्रेरित करती रही। मैं इन्हें तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ और आशा है कि ये अगले खड़ी में इस जगह ये खड़ी रहेंगी और इन्हें मैं प्रशस्ति पत्र फूलमाला द्वारा इन्हें सम्मानित करूँगी। जय हिंद। हमारी जो बहन है सिर्फ परसा ही नहीं अपितु पूरे सारण और बिहार में हमारे परसा का मान सम्मान सर्वोच्च करने का काम किए हैं। इसके लिए सारण जिला की तरफ से सारण जिला के शिक्षकों की तरफ से परसा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उमेश भाई सभी ने मिलकर हमारे बड़े भाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय सबों ने यह कार्यक्रम किया है और उनको पूरा सम्मानित करने का काम किया है। हम और सभी लोग यह चाह रहे हैं कि सिर्फ राजकीय पुरस्कार नहीं आने वाले दिनों में परसा की हमारी जो बहन है इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए यही हम मांग करेंगे और इसमें सहयोग करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद सर। आज जो संजू कुमारी सरोज जो परसा कन्या मध्य विद्यालय परसा मथुरा से बिलोंग करती हैं परसा प्रखंड के लिए तो गौरव की बात है साथ ही साथ पूरे सारण जिला और पूरे राज्य के लिए भी एक गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र की एक शिक्षिका ने राजकीय सम्मान को प्राप्त करके यहाँ के समाज के बच्चों को यहाँ के अभिभावकों को और यहाँ की मिट्टी का गौरव बढ़ाया है और मैं उन्हें शुभकामना देना चाहूँगा कि वे अपनी कदम को बढ़ाते रहें और राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुँचें।